दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किसी गुब्बारे को रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन से कैसे फुलाते हैं। अगर आपको गुब्बारे फुलाने में तकलीफ होती है तो ये एक्सपेरिमेंट से शायद आपको काफी फायदा हो सकता है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या-क्या चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक एम्प्टी बॉटल यानी खाली बोतल। उसके बाद हमें चाहिए विनेगर, जिसका हिंदी शब्द है सिरका, लेकिन मेरे ख्याल से आप इसे विनेगर नाम से ही बेहतर जानते हैं। इसके बाद हमें चाहिए बलून यानी गुब्बारा। फिर हमें चाहिए पीस ऑफ पेपर यानी कागज का टुकड़ा, और अंत में हमें चाहिए बेकिंग सोडा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप है एड विनेगर इन द एम्प्टी बॉटल यानी खाली बोतल में विनेगर डालिए। अब अगला स्टेप है ऐड बेकिंग सोडा इन द बलून यानी गुब्बारे में बेकिंग सोडा डालिए। इसके लिए हम उस कागज के टुकड़े से एक फनल या कोन या शंकु बनाएंगे, जिसके जरिए हमें बेकिंग सोडा डालने में आसानी होगी। अब अगला स्टेप है फिट द बलून ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल यानी गुब्बारे को बोतल के मुंह पर लगा दीजिए। अब अंत में जादू देखने के लिए अब गुब्बारे को पलट दीजिए यानी इन्वर्ट द बलून। क्यों, चौंक गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने बलून को पलटा यानी जब विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स हो गए तभी एक गैस उभरनी शुरू हो गई। वो यहाँ पे भी आपको दिख रही है। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब हम बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे यह गैस उभरती है। तो उस केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये रहा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और विनेगर एक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। उस इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और CH3COONa ये पदार्थ मिलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उभर के बाहर निकलता है, और क्योंकि उसे कोई जगह नहीं मिलती निकलने की, बलून फूलने लगता है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करने पे बलून क्यों फूल रहा है। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि अगर हम विज्ञान का सही से उपयोग करें तो कमाल की चीजें कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। धन्यवाद।